11 मानकों पर परखा जाएगा रेल कर्मियों का मनोवैज्ञानिक स्तर। कंप्यूटर की सहायता से किया जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण पेपर पेंसिल के जरिए होता था। आरटीएसओ ने नया प्लेटफॉर्म किया विकसित। मानकों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले इन मानकों की संख्या 5 थी, 11 हुई। स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, स्टेशन कंट्रोलर, मोटरमैन, मेट्रो के ट्रेन संचालन से जुड़े लोगों का होगा परीक्षण। लखनऊ क्वीन मैरी अस्पताल में NICU की सुविधा। अस्पताल में 5 बेड का बनाया जाएगा NICU। नवजात शिशुओं का भी हो सकेगा इलाज। अभी तक NICU ना होने से नवजात शिशुओं को भेजा जाता था ट्रामा सेंटर। रेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, अब नहीं चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। अभी तक स्पेशल के रूप में चल रही ट्रेनों में नॉर्मल से 30% ज्यादा किराया वसूला जा रहा था। अब यात्रियों को नहीं देना पड़ेगा ज्यादा किराया। लखनऊ KGMU के पेपर लीक के मामले में 3 डॉक्टर पाए गए दोषी। 21 जुलाई 2019 को 30 पदों पर दंत संकाय की हुई थी परीक्षा। 9 विभागों की भर्ती के लिए पहली बार हुई थी लिखित परीक्षा। शासन के निर्देश पर कमिश्नर की जांच में दोषी पाए गए डॉक्टर। शासन ने पत्र जारी कर कार्रवाई के लिए निर्देश। लखनऊ गायत्री प्रजापति के वकील सुनील सिंह का बयान। गायत्री प्रजापति को गैंगरेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा राजनीति से प्रेरित है, हमारे गवाहों की गवाही नहीं कराई गई। हम हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे कानपुर। तपेश्वरी मंदिर, बिरहाना माता, अन्नपूर्णा मूर्ति की हुई पुनर्स्थापना। माताजी को पुष्प भेंट कर आरती और भोग लगाकर माताजी का लिया आशीर्वाद और रथ यात्रा को बढ़ाया आगे। कानपुर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से है मुस्तैद। लखनऊ यूपी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बनाई रणनीति। महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 15 नवंबर से 24 नवंबर तक 32,240 किलोमीटर की यात्रा। हर दिन 10 किलोमीटर की निकाली जाएगी यात्रा। घर घर प्रतिज्ञा पत्र बांटे जाएंगे। महंगाई की समस्या को लेकर लोगों से करेंगे चर्चा। लखनऊ यूपी में गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय कार्यक्रम। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। बस्ती में सांसद खेल कुंभ का करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन में भी शामिल होंगे गृह मंत्री। कानपुर जीका की रोकथाम के लिए बनाई गई 100 टीमें। 176 जीका के लक्षण वाले लोगों के लिए गए सैंपल। गर्भवती महिलाओं के भी लिए गए सैंपल। रिपोर्ट आने तक सभी को किया गया होम आइसोलेट। लखनऊ जल निगम भर्ती घोटाले में CBI कोर्ट ने आजम खान को किया तलब। 15 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। विशेष न्यायाधीश ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया आदेश। अदालत ने 15 जुलाई को संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 19 जुलाई को कोर्ट में किया था तलब। आजम खान को अभी तक कोर्ट में नहीं किया गया पेश। मेरठ नहीं मिली ओवैसी की सभा को इजाजत। पुलिस प्रशासन ने नहीं दी सभा की अनुमति। नौचंदी मैदान में होनी थी जनसभा, मैदान से हटाए जा रहे टेंट बैनर और पोस्टर। लखनऊ राजधानी में जीका वायरस पचा रहा है पैर। जीका वायरस का 3रा मरीज मिला। हुसैनगंज क्षेत्र के फूलबाग के बाद लाल कुआं में भी जीका का दस्तक। लाल कुआं निवासी 46 वर्षीय महिला जीका की चपेट में। जीका वायरस की पुष्टि के बाद घर में 15 दिन के लिए किया गया आइसोलेट। परिवार के 4 लोगों समेत 52 लोगों के लिए गए नमूने। अब तक संक्रमितों के संपर्क में आए 106 लोगों का नमूना KGMU भेजा गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।